बाद श्याम बाबा की कथा तेलुगु में भी हम प्रसारण करने जा रहे हैं। 19 तारीख को उसका सीधा प्रसारण होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? रोज की तरह सुबह हो चुकी है, आज भी हम घर से बाहर निकल के व्लॉग बना रहे हैं। वैसे आज प्रोग्राम के लिए नहीं, किसी और को भेज दिया मेरी जगह पे। आज हम जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन में, जो कि हमारे मैडम विहान, एक्चुअली हमारे मैडम के बहन जो है यूएस में रहते हो, तो वो यूएस से आए हैं, तो एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं आज। तो मैं वैसे तो इवेंट शाम में है, प्रोग्राम शाम में है, मैं शाम में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जैसे कि पता है आप लोगों को शेड्यूल कितना बिजी है अपना, तो ये लोग को छोड़ के मैं कुछ देर रुक के वहाँ से आ जाऊंगा, फिर ये लोग फंक्शन अटेंड करके शाम में कैब और ऑटो से आएंगे। मेरी गाड़ी वही है जो कि विनीत ले गया है सुबह सुबह। तो मामा भी आ चुके हैं हमारे घर में, मामा भी आ चुके हैं, लेकिन हमारे घर में मामा भी आ चुके हैं, वो फंक्शन और मैं विनीत का जो और मामा और फंक्शन में, तो इनकी गाड़ी उनके पास है, और ये फंक्शन जो है ना अटेंड करने वाले ना वो रात तक चलने वाला है, तो रात तक हम एक्स्ट्रा चलने वाले, तो फिर मिलते हैं अभी। रात तक ये रहेगा, मैं नहीं रहूँगा, हमारी तो रूटीन लाइफ चालू है और वो चालू ही रहेगी, तो चलो मिलते हैं कुछ देर में। हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी, तो बड़े पूरे वहाँ मिले और बच्चे यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बच्चों के साथ ही काफ़ी रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ये हमारा विवाह। अपना नाम बोलो। श्लोक तो पहचानते हैं आप लोग, तो अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद सब से मिल रहा हूँ। और अभी बियान को यहीं छोड़ते हैं, बियान को यहीं छोड़ के यहाँ से निकल रहे हैं वो मम्मी, क्योंकि नहीं 1 बजे यही रह जाएंगे, 1 तो बज जाएंगे रात के लगभग। अब हम निकलेंगे यहाँ से घर के लिए, घर से सामान लेके प्रोग्राम के लिए निकलेंगे। ये मेरे अंजलि के मतलब मेरी वाइफ के बड़े भाई के लड़की है। तो गाइस विहान को और अंजलि को छोड़ दिया है मैंने वहाँ पर, जहाँ पर फंक्शन चल रहा है, तो वो लोग अपना एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ और रात तक यहीं रुकेंगे, और रात में जाकर पिकअप करना होगा मुझे उन लोगों को। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं खा पी कर, अब घर जाएंगे, घर जाकर कीबोर्ड लेंगे, कीबोर्ड लेके वापस फिर से अपनी पुरानी दुनिया में म्यूजिशियन फैमिली के साथ में। आज शत्रुघ्न भाई का कार्यक्रम है, जो कि लास्ट क्लिप में आपको उनका एक भजन बताया था मैंने, आज उन्हीं का कार्यक्रम है। अब तो देखते हैं उसके बाद कैसा होता है, अच्छा दिन कैसे जाता है। तो चलो अभी तक तो बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की, हंसी मजाक किया, बच्चों के साथ भी खेला, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चाय पीने की इच्छा हो गई, टी ब्रेक के लिए ये भी आज बहुत जरूरी है, चाय पीते हैं और निकलते हैं इवेंट के लिए।
समय हो रहा है 6:15। हम दूसरे इवेंट के लिए निकल चुके हैं, बस 10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। और जैसे कि टाइमिंग है 6:30 का, 6:30 तक तो ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। कोशिश ये है थोड़ा जल्दी पहुंचे, चल रही है बस गाड़ी आराम से। तो भाई ये हमारे पंकज भाई मंदिर से जा रहे लेफ्ट को गए, तो अंदर शायद आप पहली बार देख रहे हैं नो टाइमिंग सवेरे, हो सकता है इससे पहले भी देखे होंगे। ये हमारे रेडी देना है मुकेश भाई तो आ गए, जय हो। रोज की तरह आज भी मुकेश भाई साथ में, ये हमारे चिन्ना भाई स्टार प्लेयर इनसे भी मिल चुके, ये हमारे पंकज भाई, ये कुछ बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे पंकज साहब? सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम। मेरा नाम पंकज कुमार सिवाल है। आप सभी को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद श्याम बाबा की कथा तेलुगु में भी हम प्रसारण करने जा रहे हैं। 19 तारीख को उसका सीधा प्रसारण होगा, तो सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि इसे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे और उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, जय श्री श्याम, जय सियाराम। बोल खाटू नरेश की जय। ये बड़ी अच्छी बात है, अभी तक श्याम बाबा के भजन और कथा हम हिंदी में सुनते थे, अभी आगे जो प्रांत साउथ से है, जो हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जो भक्त है, जो श्याम प्रेमी है, तो उनके लिए बड़ा ही प्यारा आयोजन है ये। तो अब जल्द से जल्द बाबा की कथा तेलुगु में भी होगी, आप सबके समक्ष आएगी, तो प्यार दे। बस कुछ ही देर में कीर्तन आरंभ करते हैं और मुकेश भाई तैयार है बजाने के लिए। आज वापस आज मुकेश भाई से भी ढेर सारी बात करेंगे। चलो मिलते हैं कुछ ही देर में, जय सियाराम। घर के लिए निकल चुके हैं, कीर्तन खत्म हो गया, देख सकते हैं बारिश भी स्टार्ट हो गई, बहुत बारिश गिर रही है। धीरे धीरे चला के जा रहा हूँ, क्योंकि जाते ही फिर जाकर बिहान को ओलंजली बुलाना है, देखते कैसा होता है क्या होता है। बारिश तो बहुत ही है, रात होते ही बारिश चालू हो गई है, बस इंस्ट्रूमेंट घूमना जाए तो कुछ नहीं है। चलो फटाफट से चलते हैं, कीर्तन तो खत्म हो गया, तो चलो चलते घर की तरफ। तो गाइस समय हो रहा है रात के 3 बजे, जैसे कि ब्लॉग स्टार्ट किया था ऑटो में और एंड करेंगे अब कैब में। ये देखो यार फुल नींद में, फुल टू नींद में है, रात भी काफी हो गई है, मुझे भी चौकी से आने में देर हुई, देर तक चला कार्यक्रम। अब हम जा रहे हैं घर, घर जाएंगे और सोएंगे, ठीक सुबह 7:30 हमको निकलना है काचीगुड़ा के लिए। आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।